सजल मोबाइल थोक रेट पर सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस। हमारा पता है रामप्याऊ के पास बड़ा बाजार सागर मध्य प्रदेश। जैसा कि अभी हम साहब ने बताया कि हम लोग उस मुहाने पे हैं जहाँ पे हम लोग तीसरी लहर की आशंका है और ये लहर ना आए और जो हम लोगों ने परेशानी और जो बुरा समय सेकेंड लहर और फर्स्ट लहर में चला है वो ना आए उसके लिए तैयारियाँ शासन स्तर पे जिला स्तर पे शुरू कर दी गई हैं। इसमें हम सभी मिलके आम जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु और जो भी ऐसे प्रबुद्ध जन हैं उन सभी के सहयोग से ही हम लोग इसमें कामयाबी पा सकते हैं और जो बुरा समय हम लोगों ने देखा है खासतौर पर सेकेंड लेयर लहर के समय तो वो हम लोग उसमें अवॉइड कर सकते हैं। जो नया वेरिएंट आया है वो उसका कंसर्न है और उसी को देखते हुए कुछ प्रतिबंध अभी शासन के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यही है कि अभी से रोको टोको अभियान वापस से शुरू होगा। इसमें नगर निगम, प्रशासन, पुलिस, ये सबके द्वारा जगह जगह लोगों को रोका जाएगा, टोका जाएगा, उनको चेताया जाएगा, उनको समझाइश भी दी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पे मास्क नहीं लगाने पे जुर्माना आदि भी किया जाएगा। तो हमको अभी से इसके लिए सतर्क रहना है और उसके तैयार रहना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू एज अभी जो शासन के नवीनतम निर्देश हैं उसमें रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। तो इसका हमको पालन करना है और इसका पालन बहुत ही कड़ाई से कराया जाएगा। 31 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम रात्रि 11 बजे के पूर्व समाप्त कर दिए जाएंगे और इसके बाद यदि कोई कहीं पर कार्यक्रम चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो यदि पाया जाता है तो फिर उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप सभी से मतलब आम जनता से ये अपील है कि ऐसे सारे कार्यक्रम क्योंकि नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लागू हो जाएगा तो इसलिए इसके पहले ख़त्म कर दें। इवन जो भी कोई ऐसे कार्यक्रम है तो उसमें जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इन सब का हम लोग पालन करेंगे तो हमारे लिए ये बेहतर होगा। इसके बाद जो निर्देश है वो ये है कि जो स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, कोचिंग वगैरह में जो ऐसे व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। जो हमारे वैक्सीन के डोज का जो हमारा पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है परंतु अभी भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने नहीं लगवाया है तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील करूंगा कि सभी लोग आए आगे और अपना दोनों डोज लगवा लें। वैक्सीन के डोज लगवाने से फायदा होता है और ये प्रूवन है इसीलिए सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं। मास्क लगाना सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंसिंग और अनावश्यक भीड़भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, उनको अवॉइड करें और अनावश्यक कहीं पे भी भीड़भाड़ ना लगें। जहाँ जरूरत हो तभी आप निकलें, खासतौर पर जो भीड़भाड़ वाली जगह हो यदि आपको अति आवश्यक नहीं है तो उनको अवॉइड करें। आप भी बचेंगे, आपके परिवारजन भी बचे रहेंगे और जो हमें सावधानी है, सावधानी में ही सुरक्षा का जो नारा है वो इसमें हम उसको यथार्थ कर सकेंगे। जो जिनके यहाँ भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, खासतौर पर यदि कोई विदेश से आ रहे हैं या ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पे संक्रमण ज्यादा है तो उसके तत्काल थाने में या कहीं भी प्रशासन को तत्काल सूचना दें और जिससे कि आवश्यक जो उसमें कार्रवाई है वो की जा सके। जैसा कि मैंने बता दिया मास्क नहीं लगाने पर भी जुर्माने की कार्रवाई के लिए शासन से आदेश हुए हैं तो वो भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी निर्धारित होगा उस अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारे मॉल हैं, मार्केट प्लेस हैं, ऐसे जो जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं और इन जनरल भी जो बाजार आदि हैं तो उनमें भी जो हमारे दुकानदार बंधु हैं, व्यापारी बंधु हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले जो श्रमिक वगैरह हैं तो वो भी ये सुनिश्चित करा लें कि उन सभी का वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीनेशन हो गया हो क्योंकि वहाँ पे भीड़भाड़ वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे संक्रमण की आशंका बनी रहती है।
सेम चीज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एप्लीकेबल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जनप्रतिनिधि हैं और जो बाकी लोग हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि की कार्रवाई भी सुनिश्चित करना हमको आवश्यक है। तो इस संबंध में भी जागरूकता भी फैलाई जाएगी और वहाँ पर भी इसको रोको टोको अभियान को प्रारंभ किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसमें इसको हम लोग कोरोना का जो संक्रमण है उसको हम लोग रोका जा सके। इसके अलावा जो हम लोग भी जब हम लोग जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को वैक्सीनेशन भले हो गया हो, दो वैक्सीनेशन हो गए हो, लेकिन फिर भी सतर्कता रखना आवश्यक है। हमको मास्क लगाना आवश्यक है, भले हम वैक्सीन हो गया है उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, लेकिन लेकिन फिर भी सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मैं सभी के लिए एक अपील करना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएं मास्क आवश्यक रूप से लगा के रखें। मास्क रहेगा तो सावधानी रहेगी, सावधानी रहेगी तो सुरक्षा रहेगी, क्योंकि जो कठिन समय हम लोगों ने पहली और दूसरी लहर में देखा है, हम यही दुआ करेंगे कि ऐसा समय दोबारा ना आए और इसमें हम सभी का हमको मिल के साथ में काम करना पड़ेगा। आप सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता, सदस्य हम मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है, ना सिर्फ बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम व्यापार और लोगों की आजीविका ये सब प्रभावित होती है, बहुत बहुत कठिन समय देखना पड़ता है। तो सभी से, आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि इस पर हम लोग सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, सावधानी में सुरक्षा है और इसको हम लोग मिलकर इसको अवॉइड कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सजल मोबाइल, थोक रेट पर सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज, 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9753851640।